सो हाई एवरी वन, वंस अगेन वेलकम बैक टू पीसी ब्लॉग। सो अगर आप भी कनाडा में एज अ स्टूडेंट आए हुए हो और आपकी पढ़ाई के ऑलमोस्ट कुछ महीने बाकी है और आप प्लानिंग कर रहे हो यहाँ पे वर्क परमिट अप्लाई करने की, सो जैसे आपको पता होगा कि यहाँ के जो एप्लीकेशंस के जो नंबर है वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हो और इन लोगों का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी साथ ही में बढ़ता चला जा रहा है। अभी हाल ही की डेट में जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, प्रोसेसिंग जो टाइम है इन लोगों का वर्क परमिट के लिए वो ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने 169 डेज के अराउंड में चल रहा है। सो अगर आप आज अप्लाई करते हो तो ऑलमोस्ट आपको एक्सपेक्ट ये करना है कि 4 से 5 महीने मिनिमम आपको लगेंगे आपके एप्लीकेशन का स्टेटस अप्रूवल या डिनाइड जो भी होता है उसको जानने में। ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि जब आप एक बार अप्लाई कर चुके हो तो आप इम्प्लाइड स्टेटस पे हो जाते हो और जब तक आपका डिसीजन कोई मेड नहीं करते वो लोग तब तक आप काम कर सकते हो इम्प्लाइड स्टेटस के ऊपर। बट इमेजिन करते हैं अगर आपको अपने जो पार्टनर थे उनके स्पाउस वीज़ा रखने तुरंत, या फिर आपको यहाँ पे कोई जॉब मिली है और आपका एम्प्लॉयर ये कह रहा है आपसे कि आपको वर्क परमिट आपको देनी पड़ेगी अगर आपको ये जॉब चाहिए तो, आप इम्प्लॉयड स्टेटस पे हम लोग हायर नहीं करते। या फिर तीसरी चीज़, ये सब तो बड़ा ही ध्यान से समझना, आपका कोई भी वैलिड रीज़न है वर्क परमिट को आपको तुरंत लेने के लिए, सो आप ये मेथड को ट्राई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता तो मैंने सोचा इसी के ऊपर एक वीडियो बना देता। सो उस चीज़ का नाम है फ्लैग पोलिंग। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज फ्लैग पोलिंग, हाउ डज इट वर्क्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स, इफ देयर इज एनी रिस्क एसोसिएटेड विद इट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि यार फ्लैग पुलिंग है क्या। सो बेसिकली यहाँ पे जो कनाडा बॉर्डर होती है उसके पास में ही यूएस की बॉर्डर होती है, क्योंकि दोनों साथ में ही है, पड़ोस पड़ोस में ही है। सो आप अगर कनाडा की बॉर्डर से अगर आप यूएस की बॉर्डर की तरफ जाते हो, बट अगर आप यूएस बॉर्डर में एंटर नहीं करते और वहाँ का जो यूएस जो वीज़ा ऑफिसर था उसको आप अगर आप इन्फॉर्म करते हो कि मैं फ्लैग पुलिंग के लिए मोटिव के लिए यहाँ पे आया हूँ, अपना जो इमिग्रेशन स्टेटस था उसको वैलिडेट कराने के लिए, सो आपको एक स्लिप देते हैं वहाँ पे, जो स्लिप लेके आपको वापस रिटर्न करना होता है। और जब आप वापस कनाडा की बॉर्डर एंटर करोगे तो आपका छोटा सा एक इमिग्रेशन इंटरव्यू होगा जिस हो सकता है 10-15 मिनट चलेगा। उसमें आपसे सारे सवाल पूछेंगे कि आप क्यों वापस आ रहे हो और क्या रीज़न है आपको जो आप इतना जल्दी वर्क परमिट के लिए आपको इन हैंड चाहिए। सो आपके पास अगर कोई वैलिड रीज़न है, जैसे मैंने ऊपर वाले केस में बताया था स्पाउस वीज़ा या एम्प्लॉयर की डिमांड है, सो आप उनको बता सकते हो कि ये रीज़न की वजह से मेरे को चाहिए। उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आती है नहीं, आसानी से वर्क परमिट दे देते हैं और विद इन लाइक जो सारी प्रोसेस है उसको करने में विद इन लाइक 1 आवर आप बॉर्डर, सो वो आपसे सारे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको वर्क परमिट की इतनी जल्दी क्यों है और आपको कोई अपना अच्छा सा वैलिड रीज़न प्रिपेयर करके जाना है कि इस चीज़ के लिए आपको वर्क परमिट चाहिए। और आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा और ज़्यादा देर नहीं लगती, ऑलमोस्ट 1 घंटा आने जाने का बॉर्डर का, और इंटरव्यू में अगर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 घंटे में आपको वर्क परमिट जो है आपका वो ऑन द स्पॉट दिया जाता है वहाँ पे। और उसकी जो कुछ फीस होती है अराउंड $255 वो लोग आपको वहाँ पे ही चार्ज कर लेंगे कि आपको या पैसे पे करने के लिए एलिजिबल हो या अभी आप कर पाओगे तो आप डेफिनेटली यस ही बोलोगे। सो ये काफ़ी आसान सा प्रोसेस है। अब बारी करते हैं बेनिफिट, तो आपको पता चल चुका है कि आपको 1 दिन में वर्क परमिट मिल जाएगा जो आपको 4 से 5 महीने ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद मिलता है वो। और अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की, कि अगर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे तो सारी डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट मेंशन कर दूंगा कि कौन कौन से आपको चाहिए, फिर भी अगर बताऊँ तो मेन जो है वो पासपोर्ट है, आपका सिन नंबर हो गया, आपका कंप्लीशन लेटर, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, यानी आपको A to Z चीज़ें आपकी जो फाइल है पूरी डॉक्यूमेंट्स की वो आपके साथ ही रखनी है, फिजिकल कॉपी सारी निकाल के, बिकॉज हो सकता है आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट वो ऑन द स्पॉट वहाँ पे पूछ लेंगे, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास ये वाला डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सो ये ये सारे फायदे थे जो फ्लैग पुलिंग जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उसके। अब बात आती है कि यार क्यों ऑनलाइन कुछ ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं अब इंस्टेड ऑफ फ्लैग पुलिंग। सो अभी मैं रिसर्च कर रहा था ज़्यादा फ्लैग पुलिंग के बारे में और मेरे को पता चला कि ऐसे रेयर केस बहुत बने हुए हैं कि जहाँ पे एक स्टूडेंट को वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने के लिए आया था और उसको वहाँ पे इंडिया डिपोर्ट करना पड़ा वापस। अब ऐसा क्यों हुआ मैंने सिर्फ सुना हुआ है, मेरे को पक्का नहीं पता कि कैसे हुआ था, बट जितना मैंने रिसर्च करा और एक दो किस्से सुने मेरे दोस्तों से उनसे बता रहा हूँ कि जब आप 20 घंटे या उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम करते हो और वहाँ पे आप जाते हो और वो लोग देखते हैं कि आपने ऑलरेडी 25-30 घंटे या उससे भी ज़्यादा काम करा हुआ है अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर, सो हो सकता है वो आपका जो स्टेटस था वो आपको रिजेक्ट कर दे और आपको डिपोर्ट करने के भी ऑर्डर दे दें। और दूसरी एक चीज़ मेरे को ये पता चली रिसेंटली अभी वीडियो से यूट्यूब के,
कि एक जो स्टूडेंट था उसने अपने जो कोर्स कंप्लीट हो चुका था और उसके 1 महीने बाद तक वो काम करता रहा, उसने वर्क परमिट के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं करा और उसके बाद वो फ्लैग पुलिंग के लिए गया और उसको वहां से डिपोर्ट करने के लिए उन्होंने नोटिस दे दी 10 दिन के अंदर, क्योंकि उसने अभी तक वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं करा था और फिर भी काम कर रहा था। सो अगर आपका कंप्लीशन लेटर यार आ चुका है सो मेक श्योर कि आप वर्क परमिट के लिए या तो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो या आप फ्लैग पुलिंग करा रहे हो, क्योंकि आपका एक बार जब कंप्लीशन लेटर जनरेट हो जाता है उसके बाद आप काम नहीं कर सकते सीन नंबर के ऊपर, वो इलीगल कहा जाता है। सो ये चीज़ है आपको ध्यान में रखनी है। बाकी एक दूसरा नुकसान ये भी है कि आपका जो जो 4-5 महीने का जो बफर टाइम था, जैसे मैंने ऑनलाइन अप्लाई कराया था, अगर मैं 4-5 महीने में कहीं पर काम कर रहा हूँ सो वो मेरा 4 to 5 months जो है वो कैनेडियन एक्सपीरियंस मेरे PR में काउंट होगा। जो ये जो अगर आप फ्लैग पुलिंग करा रहे हो तो आपका जो तुरंत वर्क परमिट मिल जाएगा आपको, सो वो आपका 4-5 months का जो आपका बफर टाइमिंग है वो आपको नहीं मिल पाएगा जो आपको ऑनलाइन में मिल रहा है। और ऑनलाइन में आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है कि आपको कहीं पे जाना पड़ेगा, कोई आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आपको जस्ट सिर्फ फॉर्म्स और डिटेल्स भरनी है और आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जबकि वहाँ पे आपके सामने कोई इंसान होगा। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो, अगर आप इंटरव्यू दे सकते हो अच्छे से तो वेल एंड गुड, और अगर आप थोड़े साय हो या आपको किसी से बात करने में डर लगता है तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा ज़्यादा रिस्क लेने के लिए अंटिल आपके पास कोई वैलिड रीज़न हो तब तक। सो दैट्स एवरीथिंग फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी यार तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एंड फिर कभी मिलता है ऐसे किसी ब्लॉग के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।